जमियत उलेमा हिंद और मौलाना मदनी ने जिस प्रकार से उनकी मीटिंग चली, बैठक चली, बड़े उलेमा आए और वहाँ पे जिस प्रकार से मंथन हुआ, चिंतन हुआ, इससे अब स्पष्ट हो गया कि जिस प्रकार से वहाँ पे उद्गार जाहिर किए गए इन लोगों के द्वारा, मौलाना मदनी के द्वारा और तमाम लोगों के द्वारा, इसे पता चलता है कि अपने को एक विक्टिम कार्ड खेलने का, एक घड़ियालू आंसू बहा करके देश के मुसलमानों को जो कट्टरपंथी चाहते हैं उसकी मंसूबों को पूरा करने का एक कहीं ना कहीं एक शुरुआत कर रहे हैं। और जिस प्रकार से ये लोग कह रहे हैं बार बार कि हम पे अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, ये हमारी परीक्षा का समय चल रहा है, आखिर ये क्या कहना चाहते हैं? भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे अल्पसंख्यक को सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है। ये बोल रहे हैं कि हमारे खाना पीना रहना अगर आपको पसंद नहीं है हिंदू समाज के लिए बोल रहे हैं तो आप लोग कहीं चले जाओ। अरे हिंदू समाज क्यों जाए भाई, और हमें आपके क्या नहीं पसंद है? और जो हमें नहीं पसंद है आप उसको सुधार के चलो। आप जबरदस्ती अगर जो हमें मांस पसंद नहीं तो मांस पर खाओगे, गौ मांस खाओगे, आप क्या चाहते हो? तो ये आप जाकर के पाकिस्तान में पूछो, वहां पे हिंदुओं के साथ क्या अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वहां तो सरयाम मंदिर पे चढ़ के लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। और भारत में तो एक राम मंदिर को लड़ने के लिए सैकड़ों वर्ष की लड़ाई लड़ी गई, और वो भी लड़ाई लड़के तलवार के बल पे नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय लेकर के राम मंदिर के मार्ग प्रशस्त हुए, उसके बाद ही 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्षकारों को मिली। तो 5 एकड़ के लिए तो हम हिंदुओं ने विरोध नहीं किया। तो इस प्रकार की जो भाषा है और आप बार बार कह रहे हैं कि इतना सहने के बावजूद हम चुप हैं, हमारी सब्र का इम्तिहान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप पाकिस्तान से आपके लिंक जुड़े हुए हैं। तो मौलाना मदनी और तमाम ऐसे लोगों की हमें लगता है कि केंद्र सरकार को तत्काल पाकिस्तान से इनकी मिलीभगत की जांच कराया जाना चाहिए। और ये बड़ा दुर्भाग्य है, ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। जिस जिस देश में इस्लामिक आतंकवाद हुआ है उसकी शुरुआत इसी तरह से हुआ है, विक्टिम कार्ड खेल करके, और इन्होंने वहां पे आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इनके जांच की जाए और सख्त कार्रवाई की जाए।